स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय नॉलेज पॉइंट पे। तो दोस्तों काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है श्री राम मंदिर को लेकर, जो कि अयोध्या में है। इसको लेकर अब ये एक इंडिया टुडे का आप एक आर्टिकल देख सकते हैं जो कि आपके सामने है, और इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर इन अयोध्या कॉट इन सैटेलाइट इमेज। इसका ये मतलब है कि कंस्ट्रक्शन जो कि राम मंदिर का हो रहा है जो कि अयोध्या में है, वो अब सैटेलाइट इमेज से भी देखने में आ रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे आगे चल के आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा जो कि ऑन साइट इमेज है, मतलब साइट पे कैसा काम चल रहा है उसकी फोटोज है। ना सिर्फ इतना ही दोस्तों, बल्कि इसके अलावा सैटेलाइट से कुछ इमेजेस ली गई है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने से पहले और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने के बाद की इमेज है। उसमें ये बताया जा रहा है कि काम बहुत तेजी से चल रहा है, 6 महीनों के अंदर अंदर बहुत ज्यादा फाउंडेशन वर्क का काम तेज हो गया है और उसका असर अब दिखने भी लगा। तु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। दोस्तों यहाँ पे मैं आगे बढ़ते हुए बता देना चाहता हूँ कि इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है कि जो फाउंडेशन वर्क है उसमें कुछ काम ऐसे हैं जो कि थोड़ी मुश्किल है, जैसे कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ डेब्रीज है, मतलब जो वहाँ पे कूड़ा करकट है या फिर जो गिट्टी पत्थर है जो कि नॉर्मली वहाँ पे यूज नहीं हो रहा है कंस्ट्रक्शन में, उसको निकालने में काफी टाइम लग रहा है। इसी वजह से यहाँ पे अभी जो काम है, जो आपका फाउंडेशन वर्क है, वो उसको थोड़ा सा धीमा कर दिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा उस जमीन के अंदर जो डेब्रीज है, जो गंदगी है, जो कि मलबा है, जो कि काम में नहीं आना है, उसको निकालने का काम अभी चल रहा है। इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। इसके बाद वहां पे ये होगा कि जो एडिशनल कंक्रीट की जो लेयर है वो बिछाई जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है जो काम है वो 7 दिन 24 घंटा चल रहा है, मतलब पूरे दिन और पूरी रात हर समय यहाँ पे काम हो रहा है इस गंदगी को हटाने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी इस पे कॉन्क्रीट की लेयर यहाँ पे बिछाई जा सके। आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, पूरी रिलायबल मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। प्लीज दोस्तों मुझे सपोर्ट करिए, मुझे लाइक करिए, यहाँ पे शेयर सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे लिख सकते देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ एक्सपर्ट पैनल में। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ जो पुराने एडवोकेट्स होते हैं जो पहले से इसमें जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो पुराने सिविल इंजीनियर जिनके पास लगभग 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होता है वो लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो फाउंडेशन वर्क है वो RCC से ही किया जाएगा, ये बहुत कंपलसरी है। इसके अलावा देख सकते हैं आप यहाँ फोटो है, इसमें मैंने यहाँ पे ट्विटर से इनके अकाउंट से लिया ये फोटो, और आप देखिए यहाँ पे इसमें पूरा दिखा रहा है काम कैसे हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल 40 से 45 लेयर होगी RCC की, और ये लेयर जो होगी 120,000 स्क्वायर फीट के एरिया में पूरी RCC की ये लेयर बनाई जाएगी, और 31 मई तक 4 लेयर का काम कंप्लीट कर लिया गया है दोस्तों। लेकिन अभी हुआ ये कि 31 मई के बाद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो बात ये है, अभी फिलहाल यहाँ पे जितने भी मैंने कहा ना गंदगी हो गई ये मिट्टी, इसको हटाने का काम चल रहा है, और बताया जा रहा है अक्टूबर के मिड तक 45 से 40 लेयर जो RCC की है वो पूरी कंप्लीट कर दी जाएगी। उसके बाद जो श्री राम मंदिर है उसके ऊपर का काम शुरू होगा, उसको बनाने का काम शुरू होगा यहाँ पे दोस्तों। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये आप कुछ और फोटोज देख सकते हैं, ये दिखाया जा रहा है कि पहले यहाँ पे कैसा था अब कैसा हुआ है, धीरे धीरे टाइम टू टाइम किस तरीके से राम मंदिर चेंज हो रहा है। और दोस्तों इसके अलावा मैंने एक वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से इसके रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है, अगर आपको नहीं पता है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप प्लीज उसको जाकर देखें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो आज यहीं तक है, थोड़ी वीडियो है क्योंकि ज्यादा बड़ी अपडेट नहीं थी, लेकिन बहुत खास अपडेट है तो मैंने सोचा इसके ऊपर बना देनी चाहिए वीडियो। तो दोस्तों जैसा आपको लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।